बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बसम्स किचन। आज हम बना रहे हैं काबली सैलड, ठीक है। इसको आप कबायली सैलड, काबली सैलड और कचूमर सैलड भी कह सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। मैंने लिया है एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का, ये है अनियन, साथ में ये है, इसको कह रहे हैं अनार कली या अनार की फली, तो आई डोंट नो इसको कहा क्या जाता है। बट ये देखिए, ये इसे कांजी बनाई जाती है, ठीक है। टमाटर है, गजर है और खीरा है। साथ में हमारे पास ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। और मेरे पास ये है किशमिश, और ये मैंने ले लिए हैं जी बादाम, और ये है हमारे पास हनी यानी कि शहद। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, इनको हमने वॉश कर लिया था, अब हम इनको चॉप कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की रेसिपी भी बताती हूँ। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बादाम समेत चॉप कर ली हैं, ठीक है। ये टमाटर है, इसके मैंने बीज निकाल दिए। ये अनार कर ली है, उसको छील के, तो ये थोड़ी सी है। वैसे तो मेरे पास ये और भी हैं, ठीक है, ये देखिए। लेकिन मैंने ना सिर्फ एक को, क्योंकि जब आप किसी टेस्ट के साथ यूज़ टू नहीं होते, तो फिर आप उसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हो, पता ही नहीं होता कि उसका टेस्ट कैसा है। आप अगर ना भी इसको डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये अनियन है, थोड़ा सा है क्योंकि मौसम सर्मा है, इस मौसम में अनियन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में, और कुछ लोगों को वैसे सूट भी नहीं करता। तो आप इसकी जगह कोई फ्रूट लाइक एप्पल या फिर गुआवा, आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ये गाजर है और ये खीरा है, ठीक है। ये बादाम है, ये मैंने इसको भी कट कर दिया। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक ये बाउल ले लिया है, उस बाउल में डाल के मिक्स करते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो इस बाउल में डाल दी हैं। साथ में ये किशमिश है, ये डाल दी। इसके साथ ये मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, ये भी डाल दिए। और ये है जी ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई, तो थोड़ी सी ये डाल देते हैं। और इसके साथ हम इसमें डालने वाले हैं हनी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हनी जो है ना, सर्दी की वजह से थोड़ी सी, एक मिनट मैं हनी भी डालती हूँ जी। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने हनी भी डाल दी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए कितना प्यारा कलर है, वाह। जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। आप ये बनाएं और दोपहर में खाएं, तो आप ज़बरदस्त अपनी डाइट को फॉलो करेंगे। मैं आपको मज़ीद अच्छे से मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा प्यारा सा मज़े का जो सैलड है, काबली सैलड, वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।